साथियों, सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीनबाग, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? दिल्ली फतेह के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री ने धुआंधार रैली की, संयोग और प्रयोग का दाव चला। अमित शाह सड़कों पर उतरे, 63 रैलियां की, घर घर जाकर पर्चे बांटे। तमाम केंद्रीय मंत्री, 240 बीजेपी सांसद प्रचार में खुद को झोंक दिया। बीजेपी के बयान बहादुरों ने जान लगा दी, जमकर गाली गोली गद्दार वाली बोली बोली गई। गद्दारों को होली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। शाहीनबाग के बहाने जमकर हिंदू मुसलमान हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि वोट ऐसे नहीं पड़ा कि शाहीनबाग तक करंट फैल पाए। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीनबाग के अंदर लगे। यहाँ तक कि वोटिंग के दिन भी शाहीनबाग और देशभक्त की गुहार लगी, लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी का बैंड बज गया। दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर पिछले प्रदर्शन से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। अब बीजेपी 11 फरवरी को कुछ चमत्कार की उम्मीद कर रही है कि हम भी आज दिन भर एग्जिट पोल करके ही आए हैं। ये एग्जिट पोल 11 तारीख को पूरी तरह हो जाएंगे फेल। बीजेपी 48 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस तो चुनाव ऐसे लड़ी माने वो दंगल के कोने में खड़ी होकर आप और बीजेपी का मुकाबला देख रही हो, और एग्जिट पोल का अनुमान भी ऐसा ही दिख रहा है। कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। वोटिंग के बाद दिल्ली में फिर ईवीएम का शोर गूंजने लगा है। आप नेता संजय सिंह ने दो दो वीडियो ट्वीट कर ईवीएम से छेड़छाड़ का डर जताया है। ये तस्वीरें आप नेता संजय सिंह ने जारी की। तस्वीरों के साथ सवाल है कि ये कहां उतारी जा रही है ईवीएम। दूसरे विजुअल के साथ उन्होंने ट्वीट किया, क्या रिजर्व ईवीएम साथ नहीं जाती? बाबरपुर विधानसभा के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में लोगों ने ईवीएम के साथ कर्मचारी को पकड़ा। जो ईवीएम सील्ड होकर सीधे स्ट्रांग रूम जानी चाहिए, वो ईवीएम कर्मचारियों के पास कैसे पड़ी हुई है? ये बाबरपुर का मामला है, सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल के अंदर जो ये ईवीएम पकड़ी गई है वहाँ एक कर्मचारी के पास, ये मामला भी हम लोग चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएंगे। दिल्ली की किस्मत अब ईवीएम में बंद है। 11 फरवरी को ईवीएम खुलेगा, वोटों की गिनती होगी, तब नतीजा आएगा, तब पता चलेगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन तब तक ईवीएम पहरे में है, स्ट्रांग रूम के बाहर। आरोप ये है कि चांदनी चौक, बाबरपुर में कई जगहों पर ईवीएम यहाँ वहाँ घूमती फिरती पाई गई, और उसी के बाद अब आम आदमी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा बिठा रही है। लेकिन जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पहले से ही इतना घना पहरा है, इतना कड़ा पहरा है कि कोई पर भी नहीं मार सकता। एग्जिट पोल के अनुमानों से गदगद आम आदमी पार्टी की नजर कुछ ज्यादा ही ईवीएम पर है। स्ट्रांग रूम के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो जाए, कहीं ईवीएम के साथ खेल ना हो जाए। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।